हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फैब में आपका स्वागत है। आज हम एलिप्टिकल डिसीजन के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने एक एलिप्टिकल डिसीजन का प्रोफाइल ड्रॉ किया है। ये 2s2 1 टाइप का डिसीजन है। आज हम इसमें जानेंगे कि इस डिस में कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है कोई भी डिसीजन का इनसाइड डायमीटर। दूसरा टर्म है इसमें इसका हाइट, डिसीजन का हाइट क्या होगा। तीसरा टर्म है स्ट्रेट फेस, हमारे डिसीजन का स्ट्रेट फेस क्या होगा। तो इसका एक कुछ रिलेशंस है जिससे हम इसके हाइट्स डिसाइड करते हैं। तो हम अगर हमें कोई भी डिसीजन का आईडी दिया हो तो हमें हाइट कैसे निकालते, उसके लिए एक फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला है ID/4, यानी अपना आईडी के 25% उसका हाइट होता है एलिप्टिकल डिसीजन टाइप का। और दूसरा इसका है एक रेडियस, क्राउन रेडियस जिसको बोलते हैं, जो मेजर रेडियस है उसको क्राउन रेडियस बोलते हैं, जो 0.9 टाइम्स × आईडी होता है। एक्चुअली प्रैक्टिस में हम ये रेडियस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका जो प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं वो एलिप्टिकल लेआउट से, यानी कि एलिप्टिकल प्रोफाइल जिस तरह ड्रॉ किए जाते हैं उससे ही इसका रेडियस आता है। एक्चुअली ये रेडियस अप्रोक्सीमेट है, जो 0.9 टाइम्स × आईडी है, एक अप्रोक्सीमेट लिया गया है। इसे हम इस वक्त ध्यान में नहीं लेते, हम कंसिडर करते कि हम जो भी प्रोफाइल निकालेंगे वो एलिप्टिकल लेआउट करके ही निकालेंगे। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हमें कोई एक कंसिडर करते हैं, एक वेसल है जिसका आईडी है 1000 mm, और इसको दोनों बोथ साइड पे 2s2 1 एलिप्टिकल डिश के कैप लगी हुई है, तो इसका जो आईडी हो जाएगा वो वेसल के आईडी के हिसाब से रहेगा 1 मीटर। तो आईडी हमारा हो जाएगा 1 मीटर। दूसरा इसका है हाइट। तो हाइट हम निकालेंगे, आईडी डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 1 मीटर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 250 mm इसका हाइट हो जाएगा। और स्ट्रेट फेस हम जो है वो एक वेस शेल और डिशन को मैच करने के लिए एक सीधा पोर्शन देते हैं, उसे स्ट्रेट फेस बोलते हैं। ये नॉर्मली हम 30, 25, 50 इस तरह से लेते हैं। तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं कि हमारा डिशन का जो स्ट्रेट फेस है वो 30 mm हमने कंसिडर किया है। इधर लिखा भी है मैंने कि एलिप्टिकल डिशन विथ 30 mm स्ट्रेट फेस। अभी देखते हैं हम इसका ब्लैंक डायमीटर कैसे निकालते हैं। अगर हमें प्रेस पे देना है तो इसका किस साइज का हम सर्कल प्लेट में से कट करें ताकि हमारा एडिशन आ जाए। एक्चुअली ये फार्मूला एक अप्रोक्सीमेट है। मेजरली इस डिशन का जो ब्लैंक डायमीटर है वो इसका जो टेम्पलेट हम लेआउट करते हैं, जो मैंने एक अलग से अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि एलिप्टिकल डिशन का टेम्पलेट किस तरह से मार्किंग करते हैं। वो जो टेम्पलेट हम मार्किंग करते हैं उस हिसाब से हम इसका डाया लेते हैं। पर एक अप्रोक्सीमेट अगर हमें चाहिए कॉस्टिंग पर्पस के लिए, या तो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, एक जनरल रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर चाहिए, तो हम इसका एक फार्मूला है जनरलाइज। वैसा कोई इसका प्रूफ नहीं है कहीं पर, एक अप्रोक्सीमेट लेते हैं फैब्रिकेशन प्रैक्टिस के हिसाब से। तो एक फार्मूला इसका ये है ब्लैंक डायमीटर का, 1.17 × ID +2 टाइम्स इसका SF। तो हम इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है इसका ब्लैंक डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, तो हम 1.17 × 1000 जो हमारा आईडी है वो मल्टीप्लाई करते हैं, +2 × हमारा जो 30 SF है वो लेते हैं। तो इस हिसाब से इसका ब्लैंक डायमीटर हो जाएगा 1230 mm। तो एक जस्ट ओवरव्यू था। तो इस हिसाब से हम अगर ब्लैंक डायमीटर जो है 1230 mm का सर्कल कट करते हैं तो हमें ये अप्रोक्सीमेट ये प्रोफाइल हमें मिल जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो भी हम इस इलिप्टिकल डिशन का मार्किंग करेंगे, सबसे पहले इसका हम टेम्पलेट लेआउट करते हैं, जो कि एक मैं दूसरा एक वीडियो है जिसमें टेम्पलेट मार्किंग इलिप्टिकल 2s2 1 डिसीजन का टेम्पलेट कैसे मार्क करते हैं वो हमने बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और टेम्पलेट कैसे मार्क करते हैं वो जानकारी ले सकते हैं। इस जो वीडियो में हमने दिखाया है एलिप्टिकल डिसीजन के, इसमें सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है जो भी है,
इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लेआउट के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए हम कोई दूसरा वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आपका शुक्रिया और थैंक यू।